हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए के फार एंड केयर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस जेल के बारे में। हिमालय मॉइस्चराइजिंग फेस जेल क्या है, किस कंपनी का है, इसका एमआरपी क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, इसे कब और क्यों लगाया जाता है, इसके फायदे एवं नुकसान की बात हम करें। दोस्तों, हिमालय मॉइस्चराइजिंग क्रीम की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसे आप आराम से देख सके। दोस्तों, हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा क्रीम हिमालय कंपनी की क्रीम है। 100 ml जार की कीमत मात्र 85 रुपये है, 85 रुपीज है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, हिमालय क्रीम में बादाम गेहूं के बीज का तेल और जोजोबा आदि मिक्स रहता है, जो सभी मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। ये सभी मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जो स्किन को, हमारे त्वचा को नरम और मुलायम बनाता है। गेहूं के बीज का जो तेल होता है वो तत्व जीवित कोशिकाओं में मुक्त कणों के ऑक्सीजन के प्रभाव को रोकता है। जोजोबा स्किन को नरम बनाता है। हिमालय मॉइस्चराइजिंग क्रीम स्किन के रूखेपन को कम करता है, उसमें नमी प्रदान करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। शरीर में प्राकृतिक रूप से सीबम स्रावित होता है, जो कि स्किन को हाइड्रेट रखता है। सीबम की कमी को हिमालय मॉइस्चराइजर क्रीम पूरा करता है। बाहरी रूप से त्वचा को नमी प्रदान करता है। त्वचा को हाइड्रेट और स्वस्थ रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोगों को मॉइस्चराइजर लगाने का सही तरीका पता नहीं होता। दोस्तों, आपको बता दें कि स्किन को मॉइस्चराइजर से कई तरह के फायदे होते हैं, जो कि मॉइस्चराइजर को ठीक से लगाने पर पूरी तरह से नहीं मिल पाते। त्वचा को सुंदर और मुलायम बनाने और नमी देने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्किन स्वस्थ रहता है और लंबे समय तक जवां दिखता है। स्किन को हाइड्रेट या पानी की कमी को दूर करने के लिए भी मॉइस्चराइजर लगाया जाता है। रूखी त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर बहुत ही जरूरी होता है। हिमालय मॉइस्चराइजर क्रीम त्वचा के रूखेपन को कम करता है। मॉइस्चराइजर त्वचा को पोषण देने वाले, सूर्य की ईवी किरणों से बचाने वाले एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। हिमालय मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने से बेजान त्वचा से मुक्ति मिलती है और चेहरे पर जो आपको जा चुका हो एजिंग के निशान को भी दूर करता है, चकत्तों और एजिंग के निशान को दूर करता है। इससे चेहरे की झुर्रियां भी कम होती है और रूखी एवं तैलीय त्वचा पर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। स्किन को कोमल, मुलायम और स्वस्थ, नमी युक्त बनाने के लिए हिमालय मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जाता है। हिमालय मॉइस्चराइजर में त्वचा को पोषण देने वाली, सूर्य की ईवी किरणों से बचाने और एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। हिमालय मॉइस्चराइजर लगाने से बेजान त्वचा से मुक्ति मिलती है और चेहरे पर चकत्तों एवं एजिंग के निशानों को दूर करते हैं। इससे चेहरे की झुर्रियां कम होती है और रूखी और तैलीय त्वचा की परेशानी से भी छुटकारा मिलता है। स्किन की कोमल, मुलायम, स्वस्थ और नमयुक्त बनाने के लिए हिमालय मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मॉइस्चराइजर में SPF के गुण होते हैं जो सनस्क्रीन का भी काम करते हैं। अगर आप दिन में बाहर ज्यादा निकलते हैं तो SPF मॉइस्चराइजर ही यूज करें। अब हम बात करेंगे हिमालय मॉइस्चराइजर को कैसे यूज करें। दोस्तों, सबसे पहले अपने चेहरे को फेस वॉश से, जो भी फेस वॉश आप यूज करते हैं उससे चेहरा को धो ले, वॉश कर ले। इससे चेहरे पर जमा धूल मिट्टी निकल जाएगी और स्किन पर हिमालय मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से सोख पाएगा। अब अपने एक उंगली पर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ले और उसे अपने गालों या माथे के छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में लगाएं। अब सर्कुलर मोशन में उंगलियों की मदद से क्रीम को हल्के हल्के से फैलाएं। इसके बाद इसी तरह से मॉइस्चराइजर का नाक और थोड़े के ऊपर लिप में भी लगाएं। चेहरे के जिन हिस्सों में ज़्यादा रुखी है वहाँ पर आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। तैले हिस्से पर मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी नहीं है। हिमालय मॉइस्चराइजर लगाने के बाद 1 से 2 मिनट उसे सूखने दें, उसके बाद ही स्किन पर कुछ अप्लाई करें। नहाने के बाद भी त्वचा को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप पानी से के में काम करते हैं, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, चौका धोना आदि, तो स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। रूखी त्वचा पर दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। स्किन के लिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपकी त्वचा रूखी है तो आपको आपकी
जरूर अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप हिमालय मॉइस्चराइजर को जरूर यूज करें दोस्तों, इसमें साइड इफेक्ट किसी भी तरह का नहीं होता है। अगर मान लीजिए हल्का हो तो स्किन में हल्की जलन या खुजली हो सकती है। अगर आप इससे क्रीम को लगाते हैं तो खुजली वगैरह होती है, तो अब से लगाना बंद कर दें, हम और भी कोई दूसरा मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।